چھِن بارنے یِم چھا بند. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून न्यूज़ चैनल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान जान मोहम्मद. और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है इसका जो ड्राइवर है मौके से फरार है और फिलहाल किसी के ज़ख्मी होने की तो कोई ख़बर नहीं है. तस्वीर दिखा रहे हैं नेशनल हाईवे से जहाँ के मनाजिर अभी इस समय की बड़ी ख़बर से आपको आगाह करते हैं. ये बताया जा रहा है कि इस पेट्रोल पम्प पर शायद ये ड्राइवर तेल भरने के लिए गया था और यहाँ से निकलते समय ये गाड़ी सीधे तौर पे यहाँ से गिर चुकी हैं और यहाँ पे खुला है. उसके बाद यहाँ पे आके ऐसे में गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर निकल के सीधे तौर पे इस गहरी खाई में गिर जाती है. फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करेंगे शायद इस गाड़ी के नीचे कुत्ता आ चुका है. आप देख सकते हैं इस गाड़ी के नीचे से इस कुत्ते को निकाला गया है और शायद ये भी एक वजह हो सकती है एक्सीडेंट की, क्योंकि जिस तरह से ड्राइवर के काबू से गाड़ी बाहर जा चुकी है ये भी एक वजह हो सकती है कि शायद ये कुत्ता गाड़ी के सामने आया हो और ड्राइवर ने इसको ज़ोरदार टक्कर मारी हो, उसके बाद उसके हाथ से स्टीयरिंग निकल के या हम कह सकते हैं कि स्टीयरिंग हाथ से छूट गई और ये गाड़ी इस गहरी खाई में जा गिरी. जहां हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में दिन ब दिन ज़्यादा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, आपसे भी गुजारिश है कि आप धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाएं. जिस तरह सुबह सुबह हमें धुंध को दिखने को मिल रहा है, धुंध हमें देखने को मिल रही है और ऐसे में एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग में गाड़ी ना चलाएँ. और फिलहाल यहाँ पर गाड़ी की अगर बात करें कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है और ये शायद हम कह सकते हैं कि कुत्ते की वजह हो सकती है, क्योंकि जिस तरह कुत्ता गाड़ी के सामने से निकाला गया लोकल्स के द्वारा, तो ऐसे में समझ जाता है कि शायद गाड़ी के नीचे कुत्ता आ चुका है और जिसकी वजह से ड्राइवर के हाथ से गाड़ी निकल गई या ड्राइवर के काबू से गाड़ी बाहर जा चुकी है और ये गहरी खाई में जा गिरी. मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें कश्मीर ट्रिब्यून के साथ.